यहीं पे टिम आइकुसोल भी हमें देखने को मिल रही है, रॉनी, उसके बाद नकुल, सौम्य एंड निंजा टू। ओ करीब जाना चाहते हैं नाइकोसोल के नकुल की तरफ से, वो ग्रैंड चाहेगा, एक प्लेयर को डाउन, एक प्लेयर को एलिमिनेट करेगा। और अब सोम्यो को देख लीजिए, वो रूफ टॉप पे चढ़ना चाहते हैं, यहां से एक एंगल ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर नकुल को देख लीजिए, ग्रैंड का इस्तेमाल किया गया था और एक प्लेयर को डाउन करते सैक्रेट, जिनका नाम था, ऑन द स्पॉट एलिमिनेशन किया जा चुका है टीम नंबर 17 के। बाकी के सारे प्लेयर्स यहाँ पे आइकोसोल के पुश करने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, बट वही बात है कि एक एंगल ढूंढने की कोशिश की जाएगी। एंड सोम्यो ने देख लीजिए एक एंगल निकाला एंड फ्रॉस्टी के ऊपर वो ग्रेड क्या, लेकिन फिरू 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 फ्रॉस्टी जो डाउन थे वो फिनिश ऑफ हुए। और रोनी को, ओह माय गॉड, दो प्लेयर्स डाउन, एक 1v2 की फाइट यहाँ पे। एडी लेने की कोशिश करेंगे फिरू वहां पे घुटनों पे, लेकिन एट लास्ट चलिए चलिए दोस्तों एडी का भी एलिमिनेशन। और किल फिल्म में बहुत लेट चीजें आ रही हैं, नकुल की बात करना चाहता हूँ, उन्होंने उनके लास्ट एंड आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट किया, एंड कहना पड़ेगा कि हाँ दो प्लेयर्स यहाँ पे आइकोसोल के भी एलिमिनेट हुए। फिनिक्स वर्सेस में क्या कहूं, तो अब एक अकेला प्लेयर स्लो जॉर्ज जो कि अपनी टीम के लिए लड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसको स्कूबा ने दूर तरह से मार के फिनिश ऑफ कर दिया। और अब उस कंपाउंड में टीम जाली स्पोर्ट्स की भी कहानी को आप कंसीडर कर लीजिए कि शायद खत्म होने वाली है। टीम आइकोसोल को देख लीजिए, रॉनी एंड निंजा का एलिमिनेशन तभी हो चुका था जब इनकी इनकी फाइट्स वहां पे एक टीम के साथ हुई थी स्टार्टिंग में। और अब वो दोनों प्लेयर्स, फर्स्ट नकुल, सेकंड यहाँ पे सौम्य, चले करीब जाया जा रहा है। नकुल यहाँ पे डैमेज नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अंदर जो प्लेयर था वो फिनिश ऑफ जरूर होगा। और फाइनली फिनिश यहाँ पे अर्जित होता हुआ दिखाई दे रहा है इनके खाते में। अगर मैं बात करूँ WSP के लास्ट प्लेयर को एलिमिनेट करके, टोटल 8 फिनिशेस ये टीम निकाल चुका, और दोनों प्लेयर्स ने मिलकर 4-4 फिनिशेस निकाले। अब सौम्य नकुल को TMG का सामना करना पड़ेगा जो कि तीनों प्लेयर्स के साथ आएगी, लेकिन ये ग्रेनेड नकुल का चाहेगा, डेविल को वहां पे नॉक डाउन करेगा, फ्रैंकलिन पुश करने की कोशिश करेंगे और एक 2v2 की फाइट्स यहां पे हो चुके। नकुल द बैटमैन द पुश करेंगे और पुश करते ही वहां पे कहानी खत्म की गई एक प्लेयर की। इनको इसलिए कहा जाता है द बैटमैन क्योंकि ये ब्रेव हैं, इनको ऊपर पुश आ रहा था लेकिन इन्होंने डायरेक्टली आगे बढ़े, लेकिन एट लास्ट इनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। एक जो टीम TMG थी उसके साथ फाइट्स होती तो शायद यहाँ पे आइकोसोल के प्लेयर्स क्लियर कर सकते थे जिस तरीके से प्रहार कर रहे थे, लेकिन मोगो स्पोर्ट्स के इस पुश ने पूरी की पूरी कहानी बदल दी। नकुल आइकोसोल के वो प्लेयर एंड फाइनली ड्रॉप के पास से छुप छुपा के बैठे हुए जरूर थे एंड एलिमिनेशन कंफर्म किया जा चुका है। नकुल की अगर मैं बात करना चाहता हूँ, ये जगह ठीक नहीं है, देख लीजिए मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था पूरी की पूरी तरीके से ओपन में, एंड मैंने जो बात कही वही मैं जैसे उन्होंने फिनिश ऑफ किया था, उतर के बिना स्मोक किया वहां पे रुकना, देन व्हीकल के ऊपर बैठना एंड देन वहां पे धीरे धीरे निकलना, ये बहुत ही लाइक स्लो डिसीजन था, बहुत स्लो पहुंच के वहां पे रिवाइवल देने की कोशिश करेंगे, सबसे आगे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे। और अब आइकोसोल वर्सेस टीम FSC स्पोर्ट्स रे स्क्वाड यहाँ पे टाउन सर्वर, रॉनी वहां पे घुटनों पे, निंजा लास्ट प्लेयर, और शायद हमें निंजा का भी एलिमिनेशन बहुत जल्द देखने को मिले। देखो एक 1v2 की फाइट से ऐसा नहीं कि ले नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कि पहले निंजा ने 1v2 या फिर 1v4 क्लियर नहीं किया, बट वो डिपेंड करता है कि क्या वो थोड़ा बहुत गलत साबित होता है दिखाई दे रहा है। और ओ इस बार थोड़ा सा सही था, लेकिन नॉक में देखने को नहीं मिला। निंजा पुश करेंगे, एक प्लेयर को डाउन थे, फिनिश ऑफ कंफर्म, एंड दूसरे प्लेयर को उनको ऑन द स्पॉट एलिमिनेट किया जा चुका। और आप इसी प्लेस पे एक और टीम K9X के दोनों प्लेयर्स पहुंच चुके, टीम मोगो स्पोर्ट्स के यहां पे आ चुके, राइट साइड से टीम 4 विराजमान है, एंड फाइनली स्वागत किया गया। एंड मोगो अपने तीनों प्लेयर्स के साथ अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर थ्रो भी किया गया, इनफैक्ट एक ग्रेनेड काफी ज्यादा क्लोज हो सकता था, बट पीछे से निंजा आ चुके हैं, टीम जक्स के रिवू को डाउन करा जाएगा। टीम आइकोसोल की एंट्री हुई है अमेजिंग, यहाँ पर एक वो एस्केप प्लान यहाँ पर ढूंढना चाहते हैं, बट जिधर से वो जाने की कोशिश कर रहे हैं उधर से भी प्लेयर्स आएंगे, टीम जक्स की अमेजिंग बहुत ज्यादा लो ऑन HP पे यहाँ पर कर दिया जा चुके हैं। एक मोलोटोव यहाँ पर थ्रो करा जाएगा, बट आइकोसोल निंजा टेक्स हिम डाउन 2 फ्रॉम द मैच। और देखते देखते एक और टीम का एलिमिनेशन इस मैच से हो चुके, फिलहाल वो रॉ के शॉट्स यहाँ पर इनफ नहीं होंगे, वो नॉकआउट यहाँ पर नहीं निकाल पा रहे, बट फिलहाल एक प्लेयर को स्पॉट किया जाता है थॉमसन पे स्विच। ओके नो, टीम आइकोसोल हर एक तरफ से एंट्री, टीम आइकोसोल वर्सेस टीम VST के बीच में फाइट देखने को मिल सकती है। फिलहाल यज्ञेश जॉर्ड को यहाँ पर शानदार तरीके से अभी के लिए वो नॉकआउट जो है वो अभी यहाँ पर कर दिया जाएगा, और अब ये यहाँ पर काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग होगी। बट गाइज अगर अभी के लिए आप लोग नए हो चैनल पर और आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कराया तो फटाफट से करते रहो, और देख लेते हैं यहाँ पर फाइट्स को कि किस तरीके से टीम से यहाँ पर एंगेज कर रही है। और बार अच्छा खासा डैमेज जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार देखने को मिल रहा था, और अब अगेन वो एक यहाँ पर नॉकआउट देखने को मिल सकते हैं। टीम VST डेजल वो यहाँ पर उनके सामने जस्ट एक प्लेयर रहने वाले, एक साइड पे टीम आइकोसोल की स्क्वाड
स्क्वाड है, यहाँ पर बचना भी काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। वीएसटी डेजल सामने थे, रॉनी की तरफ से शिराज को करा जाता है डाउन, और अब इन दोनों प्लेयर्स के बीच में वो एक 1v1 की फाइट रहेगी। फाइनली डेजल टेक्स दैट फाइट इन हिज ओन एंड्स, और यहाँ पर टीम आईक्यू सोल वो तीनों तरफ से घेरते हुए, रॉनी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, यहाँ पर सामने से जाएंगे बट उससे पहले सौम्य दूसरे एंगल से यहाँ पर डाउन कर जाते हैं, और इसी के साथ साथ सातवां फिनिश आगे है, शेक ले लेता कट गया क्या तेरी गाड़ी। अबे देख मैं रेस्ट देता हूँ इसको, गाड़ी आई भाई फिनिश कर दे। ऊपर एक और है, नाइस रे जोकर, 17 का एक और, 16 भी है। अबे ये क्या चल रहा है, आप कहीं और की रेड कर रहे हो क्या? हां नहीं, इधर ही इधर ही इधर ही इधर ही इधर ही एक ही अरवाई ले लो, उसने विज़ ने लो भी किया, साथ में लो लो। अरे 17 भी आ गई भाई, नॉक कर लेके लेफ्ट को ले ले, ले लेते चलो, मैं बच जाऊं ठीक है, मैं बच जाऊं ठीक है, गॉड के इतने लास्ट में चल गन ले रहा हूँ, रुक जा मैं तो पैसे भी ले लिया, आ जा गन ले ले, ऐसे अपना फैन दे देना मेरा, पता नहीं कौन लेके चला गया। दो बग्गी है, चार्जर है ये, वाडे लोग सोल का फाइट हो गया, आ जा भाई इसने मेरे को यार ना आ जा रहा, गाड़ी है चेक पर, बंदा भी दिख गया था, वॉच आउट, नॉक गया भाई, अरे यार फिनिश नहीं हुआ ये, और भी गाड़ी निकली, और भी गाड़ी निकली, उसे छोड़ दे अभी, दूसरी दे मार सारे के सारे आओ आओ चल 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 यूएस एम पे ठीक है, सामने से लेफ्ट वाले भी जा रहे हैं, लेफ्ट वाले भी जा रहे हैं, कहीं तो बंदे उधर बंदे धमाके मार रहे हो, राइट आधा सुन, सीमेंट डाल दे, सीमेंट डाल दे, चल 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 ऊपर से मत पाना, इधर वाले से मत पाना, इधर वाले से नहीं होंगे, सीधा घुसो सीधा घुसो सीधा घुसो, अबे ले ले कोई हैवी, कोई हैवी नहीं है शायद से, अरे खाली पड़ी है, ये खा ले, अभी बताया उसने नेड कर रहा, एक ही मार लेना, आजा इधर रुक जा रहा हूं, गन से आजा आजा, ले 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 ले, देख के मैं नहीं हूं, सो देख के हां स्मोक पास करके आ रहा है, थोड़ा रैंडम मार ले निंजा तू भी, ओ वन चवरी चवरी पिक ओपे, स्मोक नहीं है, पहले ले फर्स्ट है, फर्स्ट है, नॉक नॉक का इनका,
नो को इनका मर गया अबे राइट जाऊंगा राइट जाऊंगा साथ में राइट ऑलरेडी 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 लेफ्ट में ऑलरेडी ठीक है ओए सोमे निंजा पे निंजा पे वेट कर रहा है निंजा वो फक रश कर रहा है नाइस आजा मेरा डब मेरा डब नहीं ये रहा इस रिच पे आगे वाली रुक जा रश मत कर मार दूंगा मोस्टली मैं मेरे लेफ्ट पे अलग अलग एंगल होल्ड रुक जा अकेला है मेरे मुंह पे आगे आजा चल और किल मिल जाता है पता है मेरे पे कोई होता ना मेरे पे नेट भी नहीं था यार एक तो अरे नकुल लोग सीन क्या था मैं लूट रहा था और फिर रून भी स्टार्ट हो गया था साथ किल है ही नहीं यार